की योजनाएं हैं, किस तरह की समाज में आप सेवा करते हैं और आगे भी क्या उद्देश्य है? सम्मानित पत्रकार बंधुओं, आने वाली 17 नवंबर को जनपद बरेली के सेनाई बरात घर में अभिनंदन समारोह एक विचार संगोष्ठी का कार्यक्रम रखा है, जिसमें पीछे वैश्विक बीमारी के समय तो कोरोना काल में तो कोरोना वायरस के रूप में कोरोना योद्धाओं के रूप में जिन्होंने जनता की सेवा करी उनका अभिनंदन करने के लिए कार्यक्रम हमने रखा है। हमारी संस्था ऐसे अनेकों कार्य करती रहती है और समाज की जो प्रतिभाएँ हैं, चाहे वो मेधावी छात्र हों, चाहे समाजसेवी हों, या किसी ना किसी रूप में जो समाज में उभर के आती हैं प्रतिभाएं, उनका हम समय समय पर सम्मान करते हैं। दूसरा, हमारी संस्था आर्थिक रूप से जो गरीब परिवार हैं उनकी बेटियों की शादी एक सामूहिक विवाह का आयोजन करके करते रहती है। पिछले लगभग 6 साल से हमारी ये संस्था आप सभी समाज के बीच में कार्य कर रही है, जिसमें 1000 से ऊपर बेटियों की हमने शादी भी कर चुके और करीब 350 बेटियों को हम बीए, बीएससी, बीकॉम और बीबीए निःशुल्क करा गए मेरठ यूनिवर्सिटी से। तो मैंने आपको जैसे पहले भी बताया था कि पश्चिम उत्तर प्रदेश में ये व्यवस्था होगी, अब इसको आगे बढ़ा रहे हैं। आप लोगों के माध्यम से भी मैं सूचना देना चाहता हूँ कि इस तरह के जो भी बच्चे जिन्होंने 12वीं पास करी है, बेटियों ने खास तौर से, और उनकी पैसे की आर्थिक स्थिति कमज़ोर है, पढ़ा नहीं सकते, तो ऐसे बच्चे हमारे जिलाध्यक्ष से संपर्क करके ऐसी अपनी पढ़ाई की सुनिश्चित व्यवस्था कर सकते हैं, जिससे उन्हें निःशुल्क शिक्षा प्रदान कर सके। आगे की आपकी क्या कार्य योजना है? बहुत सारी कार्य योजना है, जैसे मेडिकल के क्षेत्र में हम मेडिकल कैंप भी लगाते हैं, यहाँ बरेली में भी लगाएंगे, जिसके माध्यम से जो स्वास्थ्य संबंधी शिकायतें हैं लोगों की उनको दूर करेंगे। ब्लड डोनेट कैंप भी लगाते हैं और बहुत सारी ऐसी चीज़ें, जैसे बहुत सारे हमारे पैनल पर बहुत सारे डॉक्टर्स हैं, तो कई बार कई रात को भी फ़ोन आ जाए हमारे जिलाध्यक्ष को कि भाई एक गरीब परिवार है, सरकारी में उस समय सिस्टम नहीं बन पा रहा, किसी प्राइवेट में दिखाए, तो जो हमारे डॉक्टर्स हैं MBBS MD हमारे पैनल पे, वो फ़ोन के माध्यम से दवाई भी लिखेंगे और यदि दिखाना है तो फ्री ऑफ कॉस्ट, यदि गरीब है जिलाध्यक्ष रिकमेंड करता है तो उससे कोई फीस भी नहीं ली जाती, तो ऐसे अनेकों कार्य संस्था करती है। और ऐसा भी है ना, कोरोना में लोगों ने बहुत काम किया है, आप जानते हो, बहुत लोगों के चेहरे नहीं आ पाए ना किसी समय। मैं गाजियाबाद में रहता हूँ और मेरी आवाज़ सुनो जन कल्याण समिति और राष्ट्रीय जागरूक ब्राह्मण महासंघ का मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ और लगातार आप सब लोगों की सेवा कर रहा हूँ, जनता की सेवा करने के लिए जनता के बीच में रहता हूँ। मंगल पांडे ने उन प्रतिभाओं को सम्मानित करना चाह रहे हैं जो कि समाज में क्रांति लाने काम कर रही है, जो कि समाज में नई दिशा देने काम कर रही है, उन लोगों का सम्मान करके।